हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं शीतला जी घाट पर। शीतला जी का मंदिर पीछे देख सकते हैं और माँ का आशीर्वाद लेके आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और हैप्पी होली आप सबको। कल आपने आई हो खूब होली मनाई होगी। और चलिए चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे अस्सी घाट तक और आज दिखाते हैं अस्सी घाट का नज़ारा और सारे घाटों का नज़ारा थोड़ा थोड़ा दिखाते हुए चलेंगे। आई हो पूरी वीडियो देख कर आप सबको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो पूरी वीडियो में आप सब बने रहेगा और जो भी मैंने चैनल बनाया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग चल रहे शीतला जी मंदिर के आगे और आपको घाटों का नजारा दिखाते हैं होली के बाद का। लोग देखिए आराम से जो है होली खेलने के बाद आराम से बैठ के नजारा ले रहे घाट का। और हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते चलेंगे अस्सी घाट। और देखिए आप माँ गंगा का व्यू काफी अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए लोग आराम से गर्मी की तपन बुझाते हुए, ओ देखिए आराम से रजा नहाते। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे और दिखाते हैं पूरा आगे का सीन। आज हम लोग होली होली खेल लिए, बकायदा कपड़ा पहन लिया। सुबह देखिए रिलेटेड आपको हैप्पी होली, आप सभी को हैप्पी होली, पूरे काशी वासियों की तरफ से हैप्पी होली। आज हम छुट्टी पर हैं इसलिए कैमरा संतोष के हाथ में है। आज कैमरा हम पकड़ेंगे, सूरज आज ब्लॉगिंग करेंगे। हाँ लेकिन पैसा ना छोड़ेंगे बस हमें होली खेलने। वो देखिए कितना कपड़ा फटा हुआ, वो देखिए यहाँ कपड़ा फाड़ होली खेली गई है, वो देखिए आप सब देख सकते हैं। आनंद घाट के किनारे वाले ही ले पाते हैं। हाँ एकदम, क्योंकि ये लोग जब मन चाहे तो गंगा में डुबकी लगा के पूरा पाप धुल जाता है। देखिए पीछे देखिए लोग आराम से नहा रहे हैं, कैमरा लेके बैठे हैं, नहा रहे हैं, दिखा रहे कि तुम लोग कायदे से नहाओ, नौटंकी नहीं करना। देखो घाट पर देखिए लोग कल का एकदम रंगा रंग हुए हुए खेले हैं चौचक एकदम। देखिए लोग नहा रहे और हम लोग घाट पे ऐसे ही आज घूमते हुए चलेंगे। सूरज बैठो थोड़ा सा आराम कर लिया जा, बैठो बैठो बैठो। गवाइये तो गिरते तुम बजी अब। तो हम लोग चल रहे हैं अस्सी घाट पर और वहीं आपको नजारा दिखाते हैं। आई होप आप सबको देख कर काफी अच्छा लगेगा। और धूप तेज है आज लेकिन ब्लॉगिंग करने में मजा आ रहा है। हाँ वायरल वायरल गाना मेरा डांस करने का मन कर रहा है। ले ले मारो डांस, वायरल होंगे हम भी एक बार अपना शॉट दे दें संतोष। ले 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 हाँ ले 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 दिल ये पुकारे आजा, पता नहीं किसको बुला रहे। आओ सुबह तो ब्याह कब कर रही हो तो बस कल आप सब लोग आ जाइएगा। पता सुनसान गली और शैतान मोहल्ला और भूल गए ब्याह करने का इसलिए भूल गए। मैं जितना एक्साइटेड है इतना इसलिए सब भूल गया। हमको नहीं भूल जाओगे। खाओ गली खाओ गली में मजा आता है घूमने में इसे घाट में। और देखिए एक चीज और दिखा रहे आपको घाट में, देखिए अब लिख गया है बोर्ड, देख रहे हैं आप सब क्या लिखा है इस पे। यहाँ पेशाब करना है हम कूड़ा फेंकना सब मना कर, मना है ऐसा करते पाए जाने पर 500 का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल है
देखिए इंस्टाग्राम चैनल उठाया है, देखिए देख रहे। तो ये है नगर निगम G2 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। यहाँ बोर्ड लग चुका है ऐसे ही हर घाटों पर, और आप गंदगी नहीं कर सकते। अगर गंदगी करते हैं वो देखिए वहाँ से रंग गिरा, लोग रंग फेंके हैं, देखिए पूरा जो है। कल घाटों पर भी कायदे की जंग की होली खेली गई, और हम भी लाए थे कल घाट पे आपको। बनारस का मौसम रंगा रहता है अपने रंग में, लेकिन कल कुछ ज्यादा ही रंग गया। कल सही बताएं, कल पहली बार हम गुदौलिया पे इतने सालों में आए, जो होली हम देखे अपने बनारस की, हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे धर्म के इसे, मतलब इतने बड़े पर्व को लोग कितने हर्ष से मनाते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, अच्छे अच्छे घर से, और छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे मोहल्लों से। अच्छा ऐसा भी है कि बनारस वाले तो एंजॉय करते हैं, प्लस कई लोग ऐसे भी होते हैं नाते रिश्तेदार में जो एक दूसरे को बुला लेते हैं कि भैया ये बात सही है, त्यौहार मनाइएगा, इस बार हमारे घर पे ही त्यौहार मनाइएगा। तो बहुत से लोग बाहर के भी थे, और फॉरनर तो पीछे। बाप रे बाप, कल घाट में एकदम एंजॉय किया, कपड़ा फट गया उन लोग का, समझ लीजिए। वो लोग ऐसा लग रहा था देख कर की जैसा लग रहा है बहुत से यादों को बटोर ले, जो लेना चाहते की अपने देश में जाएंगे तो हम दिखाएंगे यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति। कल मैं बताऊँ, एक फॉरनर था, उसे यहाँ के लोकल लोगों ने उतना रंग भिगो कर दिया, वो पागल हो गया एकदम। डांस करते करते उसके कपड़े फट गए, लेकिन फिर भी उसकी एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं थी, खूब एंजॉय किया उसने, और उसको देखकर बहुत लोगों ने एंजॉय किया। बताएं कि बनारस देखिए, जैसे यहाँ की गाली, बहुत लोग कहते हैं कि बनारसी बात बात पे गाली देते हैं, तो ये गाली नहीं है, कल इनफैक्ट उससे भी गाली दी। होली मजा दे रहा, उसको क्या पता कौन सी गाली होती है क्या है, लेकिन वो एकदम आराम से चलचल गाली देते हुए खूब होली खेली उसने। हम लोगों ने देखा ऐसी चीज, काफी मजा आया देख करके। कल वाली वीडियो आप सब जरूर देखिएगा। जब कहीं भी आप घूमने जाए तो वहाँ का लैंग्वेज पहले सीख लें, कुछ बोलेंगे सब बाउंसर बनारसी तो दया खा जाते हैं, बाकी जगह सब। जैसे हम लोग के साथ एक बार फैन हुआ था, एक वहाँ मनकंटा घाट पे एक अंग्रेज था, हम उससे एक आदमी बात कर रहा था, तो हम कह रहे वो हिंदी नहीं जानता, तो कह रहा है क्यों क्या हुआ। तो बोला, हम एकदम चौंक गए कि अरे ये तो हिंदी बोल रहा है, तो हमको लगा काफी टाइम से बनारस रह रहा है। तो बोले आजकल के अंग्रेज या फॉरनर सब छात्र है एकदम, हिंदी बहुत चौचा गाता है लोग को, तेलुगु मलयालम। अब जो अंग्रेज वैसे नहीं रह गए कि अंग्रेजी बोलेंगे, सब चलाक हो गए हैं, बच के रहिए आप सब। और कायदे का लोग बोलते हैं हिंदी, बहुत सारे यहाँ जो घाट पे स्पेशली जो घूमने वाले हैं अंग्रेज, वो लोग सब जानते हैं हिंदी बहुत अच्छे तरीके से। हम कहाँ आ गए, हम लोग देखिए आ गए नारद घाट में, पीछे देख सकते हैं आप घूमते घूमते, तो सन्नाटा, गर्मी भर ऐसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन शाम जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे यहाँ जो है भीड़ रहती है, और देख रहे हैं आप सब यहाँ का नजारा, देखिए थोड़ा सन्नाटा लग रहा है। सर हम लोग आ गए, अब जो है कहाँ पे गुरु कहाँ पहुँच गया, हम लोग पहुँच गए निरंजनी घाट पर। निरंजनी घाट देखे तो पिछवा छोड़ा थूगा ना बाबा, कौन सा घाट है बताइएगा। आगे है चेत सिंह घाट, जहाँ होला चौचक चपक की शूटिंग। अच्छा, जितना मेरा वीडियो देखा तुमन, आप लोगन से कहे के कि अगर आप लोगन की इच्छा रही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग बनारसी भाषा में वीडियो बनावल जाएगी, वरना फिर खड़ी भाषा में, अगर अच्छा लगी तब, ताकि मन बना, जो भाषा अच्छा लगे वो भाषा बताया, तो वही भाषा वीडियो बनी। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का रिक्वेस्ट आ, अंग्रेजी मत, अंग्रेजी बहुत दूर, अंग्रेजी से बहुत दूर भाग गया हम लोगों के, खड़ी बनारसी बोले भैया। ये देखो चेत सिंह घाट, यहाँ लगे तो सन्नाटा, अभी अभी संध्या के बाद देखिए माहौल गुलजार हो जाएगा, संध्या के आज ही बात बैठे जगह न मिली, यहाँ इतना पशु पक्षी यहाँ बैठा लन, पशु पक्षी मतलब समझाना के जोड़ा। देखा तू यहाँ कितना सन्नाटा, अभी कोई लौकत ना हम लोगों के सिवा,
ये घाट वैसे लव पॉइंट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे खूब एकदम चौचक मतलब वो सब नहीं बैठा लो लोग आराम से फोटो सेल्फी वगैरह के लिए इस घाट को जाना। अभी देखा था घाट सन्नाटा वगैरह के लिए चला चल जा आगे। यहाँ पे भीड़ रहती है बहुत ज्यादा। अभी देखिए कोई दिख नहीं रहा है लेकिन शाम को नजारा दिखेगा आज। अभी देखिए बड़े लोग होली खेल के आराम से चद्दर तान के सुते होंगे। अभी जो है आराम से लोग सुते होंगे खाली वही लोग बाबा बिल्ला की तरह जाके ब्लॉग बना रहे हैं। इन्हें का मर्जी था। सूरज चला कहाँ चले गए संतोष? घाटे पे चला वीडियो बनावा जाए। तो अभी देखा देखिए हम लोग आज कहाँ पे हम लोग चेत सिंह घाट के आगे बढ़ गए हैं और हम बस बाकी ये समय प्रभु घाट पे इनके भाई के नामे पे घाट के नाम पड़ा लो प्रभु घाट प्रभु दयाल। तो चलिए इसके आगे चलते हैं और दिखाते हैं अस्सी घाट का अभी का नजारा। भीड़ तो होगी लेकिन अभी कम भीड़ होगी फिर भी हम दिखाते हैं क्योंकि धूप अब पड़ने लगा है धीरे धीरे मौसम चेंज हालांकि कल तो गजबे मौसम हो रहा था। कल दिन में मौसम ऐसा हुआ था हमको लगा कि अरे आज का होली तो एकदम फिर गया बेकार लेकिन चलो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते आगे और आगे का नजारा दिखाते हैं आप लोग वीडियो बने। देखिए अभी चल रहा है कोरोना टाइम यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। अपने अपने घर में रहे सुरक्षित रहे मस्त रहे स्वस्थ रहे। अभी देखिए कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे हम लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अभी पुलिस आएगी पकड़ के लेगी चली जाएगी। हम लोग को यहाँ महसूस हो रहा है कि इस समय जो है कोविड टाइम चल रहा है क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे एकदम बात ही ऐसा। तो हम लोग आ चुके हैं अस्सी घाट पर और यहाँ भी देख रहे हैं आप सन्नाटा ही दिख रहा है थोड़ा। शाम को होगी यहाँ बम्पर भीड़ जैसे कल होली में खेलने के लिए बम्पर भीड़ होती शाम को भी। क्या सूरज आज टहलने के लिए भीड़ लगेगी जो लोग रिश्ते नाते नहीं जाते हैं वो यहीं लेकर आते हैं उन लोगों को। आज हम लोग भी समोसा का दुकान लगाएंगे संजय आज संजय लगाएंगे कायदे कमा के घर जाएंगे संतोष मोमो का दुकान लगाएगा। हम स्प्रिंग रोल का दुकान लगाएंगे आज खूब बिकेगा हम लोगों को मैगी 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 यहाँ बहुत बिकता है। ब्लॉगिंग करते करते परेशान हो गए थोड़ा कमाई वाई हो तब ना आईफोन खरीदेंगे तब फिर नहीं लगाएंगे दुकान। जिस दिन आईफोन आ गया ब्लॉगिंग बने कायदे चौचक तब अच्छे से बनेगा ना। सपोर्ट नहीं करते क्या करेगा दुकानिया खोले को पड़ी है। बनारस में तो सच चाय के आशिक हूं चाय वो दुकान खोल लेते हैं बस ठिकाना चाय खोल दिया आज ठिकाना चाय। आपने देखा बदनाम चाय हांडी चाय हम लोग दुकान में खोलेंगे हम वो बदनाम चाय का हम बदनाम पान का दुकान खोल लेंगे। वैसे भी बनारसी पान का दुकान मेरा टाइटल कोई चुराएगा नहीं। हां चुराना नहीं। तो हम लोग आज अस्सी घाट पर कल यहीं पर हो रही थी बम्पर होली। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा यहाँ होलिका जली थी। और चलिए कहीं चलते हैं एक शांत ठंडी जगह और वहीं वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। आई होप पूरी वीडियो देखकर आप सबको काफी मजा आया होगा। तो हम लोग आ रहे हैं अस्सी घाट सुबह बनारस स्टेज के पास जा रहे हैं वहाँ हम बैठ के गोला खाएंगे और वही गोला खाते खाते वीडियो को एंड करेंगे। आई होप पूरी वीडियो देखकर आप सबको मजा आएगा। अभी देखिए जिस जगह है नाटा शाम को होगी चौचक भीड़ कल होली की तरह। तो आइए अब चलिए चलते हैं अब गोला खा लेते हैं हम लोग। तो सूरज गोला खा के मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है पैसा लगाना तो मजा तो आए। हाँ ये बात तो है मजा तो आएगा ही। और आई होप पूरी वीडियो देखकर आप सबको मजा आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए दबा के एकदम। और आज हम आपको कोरोना टाइम का भी दिखाए काफी सन्नाटा था वहाँ पे सही में एक पल आज ऐसा इतना सन्नाटा घाट था एक पल के लिए लगा कि बात हम लोग दौर में चले आए क्या गजब फील किए थे।
अपना एक्सपीरियंस आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू। तो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अब हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, तुम्हारा ना बोले नहीं ये देखे जल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया नया व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।